मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति। आज बाबा के 31 जुलाई 2021 के साकार मथुर महावाक्य है। आज इस मास का लास्ट डे है। हम अपना चार्ट चेक करेंगे, इन 31 दिनों में हमने कितने दिन अमृत वेला किया, मुरली क्लास कितने दिन रेगुलर की, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल कितनी देर किया, नुमाश्राम योग, भोजन बाबा की याद में, सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना, इन सब बातों का सच्चा समाचार आज हम बाबा को देंगे। और जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर रहे उसे फिर से ठीक करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। एक अच्छा बाबा का बच्चा वो है जो अपनी कमी को आपे ही ठीक करे, और वो ठीक होगा दृढ़ता के द्वारा, दृढ़ संकल्प शक्ति से अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर देना है। आज की मधुर मुरली में बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। नशा होना चाहिए, हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। क्वेश्चन है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होने हैं। वो जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। याद में रहने का पुरुषार्थ क्यों करना है? क्योंकि उन्हें पता है याद से पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वो जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएँ खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं 5 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने आया है? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है, सब बच्चे जानते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है, हमें लायक बना रहे हैं, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बाबा बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखाते। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाबा आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमें सुना सके और हम उनसे सुन सके। इम्पॉर्टेंट बात, यूं तो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमें सुना सके और हम उनसे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह समझ, मुझ बाप को याद करो। हमें बाबा मिला जिसको आधा कल्प हम याद करते थे। अपने को रूह समझो, हमें बाबा मिला जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई,
हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना, भले जो अब समझते हैं बहुत सुखी हैं, हम इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं, अंत में बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में क्लास हो जाएगी, बाप से तुम्हें सेकंड में वर्षा मिलता, कहते तुम्हें सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, सफाई तो चाहिए ना, तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है, बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उन्हें बुलाती हैं, बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने, पतित पावन एक बाप है, पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खा के चले आना चाहिए, गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों हैं, रात दिन यही धुन लगाते रहते, पतित पावन सीताराम, अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है, पतित पावन पतियों का पति वही है, वो जब आए तब आकर पावन बनाए, तो बाबा कहते मेरी श्रीमत पर तुम्हें चलना है और किसी की मत पे नहीं चलो, बाबा कहते मेरी श्रीमत पे तुम्हें चलना है और किसी की मत पे नहीं चलो, वो तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसा क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा, भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा, रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है, बाबा कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया, ये है रोरव नरक, सब दुखी रोगी हैं, तुमने कितना दुर्गति को पाया, ये है रोरव नरक, सब दुखी रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो, भारत में ही सदा सुख था अब दुख है, भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वो तो आते ही बाद में है, कोई 60 जन्म कोई इनसे भी कम जन्म लेते, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते, तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं, मनुष्यों को जो आता सो बोल देते, अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, बाबा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, रत्न तो बहुत वैल्यूएबल हैं, बाबा समझाते बहुत सहज हैं, बाबा कहते तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ, अब बाबा आए हैं, अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, शिव बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं, भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं, बाबा कहते तुम भले कितनी भी मेहनत करो फ़ायदा कुछ नहीं होना, आगे तो तुम बलि चढ़ते थे फिर भी क्या फ़ायदा हुआ, करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे के तैसे, पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर, सत्युग में भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं, बाबा तो कहते नहीं कि गला काटो ये करो, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं, आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, बाबा कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन गए, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरात के महल थे, अथाह धन था वह कहाँ गया, वो सारा धन संपदा हीरे जवाहरात के महल वो कहाँ गया, क्या किया, अब तुम कितने दुखी हो गए, तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आ गए, तुम तो देवी देवता धर्म के थे फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो, और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं, धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म क्रिश्चन का क्रिश्चन धर्म चला आता, तुम्हें क्या हुआ,
तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन गए किसी को पता नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर विकारी कैसे बन गए? 84 जन्म लेते सतों से तमो बने, बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वो अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। झाड़ के चित्र में नीचे दिखाया है ब्रह्मा को तपस्या करते हुए, और लास्ट में ऊपर भी दिखाया हुआ है। ये बाबा कहते तुम बच्चे भी, ब्राह्मण भी ब्रह्मा के साथ तपस्या कर रहे हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। अब झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अब तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर और वो जड़। सत्युग में ये नहीं था, इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो, प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं, ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। खूबो तुम्हारा यादगार है, नाम रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाबा ने तुम्हें बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग यथा शक्ति। तुम जानते हो पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अब तुम जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर, राजाओं का राजा बनना चाहिए। सत्यु में कहा जाता महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता राजा। फिर दुनिया पतित बनती तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं का मंदिर बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना, आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया फिर लिया, फिर तुम्हें क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार? बाबा बैठ आत्माओं को समझाते, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबर वार, आत्म अभिमानी बनते हो नंबर वार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुम्हें पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती, कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, अच्छी रीति याद करती रहेगी तो अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग चुकतु कर करना होगा, फिर उच्च पद मिलेगा। कर्म भोग भोग कर चुकतु करना होगा, फिर उच्च पद मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाबा बच्चों को बैठ समझाते, ये भी बच्चे जानते। सत्युग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गऊ संभालते थे, राजाएं गऊ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो है नहीं। ये दिखाते हैं सत्युग में गऊँ बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उसको कामधेनु कहा जाता। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पे रख दिया जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं
तो स्वर्ग में कितनी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बांस आदि बिल्कुल नहीं होती, बदबू नहीं होती। अब बाबा बच्चों को कहते, मैं आया हूँ तुम्हें गुलगुल बनाकर साथ लेके जाऊँगा, मैं आया हूँ तुम्हें गुलगुल बना के साथ लेके जाऊँगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वो है पावन फरिश्ता, भेंट दिखाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सत्युगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते हैं। सत्युग वालों को देवी देवताएं कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते हैं। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाबा कितनी सहज शिक्षा देते, यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट धंधा धूरी आदि इन्हें याद नहीं करना। सहज शिक्षा बाबा कौन सी दे रहे हैं, यहाँ जब बाबा मिलन के लिए आते हो तो कोई भी मित्र संबंधी, घर घाट धंधे धूरी आदि को याद नहीं करना। बाबा के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आई ही हो योग की कमाई करने, तो इसी में लग जाना चाहिए। यहाँ आए हो योग की कमाई करने, तो इस कमाई में लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप तदक का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करते हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, आत्म अभिमानी बनना है। ये कमाई का समय है, इसमें घर गाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना। ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पे आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति सागर के बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है बाबा के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाबा के गुणों का अनुभव करने के लिए ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। आज पूरा दिन हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहेंगे, मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन गई। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।